नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गैजेट्स राय में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है बिलियन, उसने पावर बैंक लॉन्च किया, दो वेरिएंट में लॉन्च किया, 10,000 mAh एंड 15,000 mAh। आज हम 10,000 mAh का पावर बैंक की बात करेंगे जो हमारे पास है, और देखते हैं कैसे लुक है और क्या क्या उसमें हमारे को मिला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आपको इसका फ्रंट लुक मिलेगा। बॉक्स का फ्रंट लुक इस तरह से मिलेगा, व्हाइट कलर में डिजाइनिंग कर रखी है। साइड में आपको फीचर्स दे रखे हैं, मेन फीचर्स। फिर इस साइड में आपको कुछ चित्र बने हुए हैं जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से चीज़ों का ये चार्ज कर सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। बैक में आपको सारी डिटेल दे रखी है, की फीचर्स दे रखे हैं और कंपनी का एड्रेस, कंपनी का सारी चीज़ें डिटेल दे रखी है। एक साल की वारंटी के साथ आता है क्योंकि आप देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं मेड इन इंडिया है, मेड फॉर इंडिया के लिए बना है, सिर्फ इंडियंस के लिए बना है और इंडिया के लिए बना है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सील मिलती है, आप देख सकते हैं प्लास्टिक की सील है। तो हम खोल लेते हैं फटाक से, ये आपका पावर बैंक आ गया। पावर बैंक में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पावर बैंक है और केबल है, आप देख सकते हैं। तो हम केबल को दिखा देते हैं, केबल कुछ अच्छी छोटी सी है, पर एक चीज़ दिखी है जिसकी बात करते हैं एक मिनट। तो ये इस तरह से केबल है, आप देख सकते हैं हेड इस तरह से मिल रहा है आपको केबल के अंदर। चार्जिंग का अच्छा है, पर जो माइक्रो यूएसबी का है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि दिक्कत दे सकता है, जेब में रखने पर टूट सकता है, ये हम देखते हैं बाद में। तो कुछ इस प्रकार से आपको केबल मिल रही है, ये दोनों, सॉरी एक केबल है, दोनों नहीं, मतलब दोनों हेड इस तरह से मिलते हैं आपको। अब बात करते हैं पावर बैंक की। तो सबसे पहले देख सकते हैं पावर बैंक कुछ इस प्रकार से मिल रहा है आपको, तो इसको अभी रख देते हैं। आपको डब्बे के अंदर बिलियन ने वारंटी कार्ड प्रोवाइड करवाया, तो आप इस साइट पे, इस नंबर पे और इस ईमेल एड्रेस पे जाके इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, आप देख सकते हैं। बात करें अब पावर बैंक की, तो पावर बैंक कुछ इस प्रकार से मिल रहा है आपको, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल लुक बहुत खूबसूरत है और हल्का है, इजीली हैंड में आ जाता है, आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा हाथ है तो इजीली मैं पकड़ सकता हूँ। दूसरी चीज़, हल्का होने के साथ साथ आप इजीली इसको अपने जेब में रख सकते हैं, तो आप देख सकते होंगे ये मैंने अपनी जेब में रख लिया। अगर आप मेरी जैसे कोट पहनते हैं, जैसे मैंने पहन रखा, तो आप कोर्ट में भी इजीली रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत हल्का है। अगर चाइनीज़ मोबाइल से, चाइनीज़ पावर बैंक से कंपेयर किया जाए तो ये बहुत हल्का है और बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल लुक बहुत अच्छा, आपको यहाँ सिल्वर लाइनिंग मिल रही है पूरा ओवरऑल में, और गोल्डन कलर में आपको ये इसका लुक मिल रहा है। तो गोल्डन सिल्वर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट देख लें ऊपर की साइड, तो आप ऊपर देख सकते हैं आपको LED टॉर्च मिल रही है, क्योंकि एक अच्छी बात है, रात के समय काम में आई है। दूसरा आपको चार्जिंग इनपुट मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं USB माइक्रो USB चार्जिंग इनपुट है। फिर साइड में आपको मिलता है 3 USB चार्जिंग पोर्ट, क्योंकि एक अच्छी बात है 10,000 mAh में। और आपको फ्रंट में मिलेगा 4 LED लाइट्स और पावर बटन। तो चलिए फटाक से इसको देखते हैं। इन्होंने कहा है कि ये आपको बिना पावर बटन टच किए ये चार्ज कर देगा, तो चलिए देखते हैं। तो पहले इसको इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लिया, और अब हमारा प्यारा सा Q6 लेते हैं और देखते हैं। तो ये हुई Q6, लग जा भैया लग जा, तो ये देखिए आप देख पाए होंगे एकदम फटाक से कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे आपको 4 LED लाइट्स भी दिख रही होगी जो जल गई है, यानी 4 LED लाइट जली है, यानी पूरा चार्जर है। अगर 3, 2 और 1 पे पहुँचा, 1 पे पहुँचा यानी कि ख़त्म हो गई है, 2 पे पहुँचा यानी बीच में है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं। अब आपने देख लिया कितनी जल्दी ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, चूँकि एक अच्छी चीज़ है। क्वालिटी वाइज भी अच्छा है ये, आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज अच्छा है, पर स्क्रेचेज आने पे इसका पेंट हट जाता है, जो कि एक गंदी बात है, जैसा आप ऊपर देख सकेंगे यहाँ पे,
कि यहाँ पेंट हट गया हल्का सा स्क्रेच आने पे। अब बात करते हैं इसकी टॉर्च की, तो आपको टॉर्च जला के दिखा देते। तो आप देख सकते हैं टॉर्च की कैसी लाइट है, आप अगर देख पा रहे होंगे तो टॉर्च की कुछ इस तरह से आपको लाइट मिलेगी, और आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, इतनी खास नहीं है, और रात को मालूम पड़ेगा। तो अभी तक ये अभी हमने अनबॉक्सिंग किया है, तो इसको पूरा यूज़ करने के बाद हम वापस से आएंगे आपके पास और बताएंगे इसकी किस तरह की कैपेसिटी है, कितने मोबाइल को ये चार्ज कर लेता है और कितने टाइम तक ये टिक पाता है। तो हम हमारे 3000 mAh के LG Q6 को चार्ज करेंगे 0 से 100 तक, तो देखते हैं कितना चार्ज कर पाता है और उस टाइम आएंगे। और अगर आपको परचेस करना है तो आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर कंपनी की साइट पे अवेलेबल नहीं है तो हमारे से कॉन्टेक्ट कीजिए हमारी ईमेल एड्रेस पे, जिसका नाम है gadgetsrai@gmail.com, आप नीचे देख सकते हैं। और हमारे को फॉलो कीजिए सोशल मीडिया में और बाढ़ ला दीजिए फॉलो करके, ताकि आपको हम और वीडियोज़ ला पाएँ और हमारे को भी सहायता मिले आपसे। और अभी के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरा नाम था अमन सारडा, भारत माता की जय।